अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वैसे तो हर कोई चाहता है कि हमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिले और हम लोग फॉरेन कंट्री जाएं, वहाँ पे एजुकेशन करें फ्री में, वेदर इट्स अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स और PhD। बट मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें कैसे पता चले कि कौन सी स्कॉलरशिप्स आई हुई हैं आजकल और कौन सी हमारे मेजर से रिलेटेड आती जाती रहती हैं। सो लोगों को इम्पोर्टेंट लिंक्स नहीं पता होता। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं जहां से हमें पता चलेगा कि हमारे मेजर से रिलेटेड कौन सी स्कॉलरशिप्स आई हुई है, ताकि हम लोग भी तो थोड़ा फायदा उठाएं। सो या स्टे ट्यून्ड विथ मी। एक वेबसाइट है जिसका नाम है scholarshippositions.com। सो स्कॉलरशिप पोजिशंस डॉट कॉम एज यू कैन सी, और जहाँ यहाँ हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट जस्ट गो एंड क्लिक इट। एंड यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स, PhD की लिंक्स लगी हुई है। सो इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर मास्टर्स, हम लोग अभी चेक करेंगे कि लेट्स सी के मास्टर्स की कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स आई हुई हैं। सो जस्ट क्लिक इट एंड गो डाउन। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि देयर इज ए स्कॉलरशिप फंडिंग फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो जहां पर भी लिखा हो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इट मीन्स के एवरी वन कैन अप्लाई। सो या सो ये जैसे लिखा हुआ है कि ये स्कॉलरशिप थाईलैंड की है और 2020 नेक्स्ट ईयर पे एजुकेशन स्टार्ट होगी। सो आप लोग क्लिक करोगे एंड देन गो डाउन एंड सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज जस्ट चेक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, और जहाँ पे लिखा होगा कि मतलब नंबर ऑफ अवार्ड्स तो बहुत सारे हैं, और नेशनलिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट, और कोर्स लेवल लिखा है कि कौन सा है, डॉक्टरल और मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप है। और दूसरा आप लोग देखें एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखेंगे कि कोर्स और सब्जेक्ट्स कौन से हैं। सो यहाँ से आप लोग को पता चलेगा कि इज़ इट फॉर यू और नॉट। सो जस्ट चेक हियर कोर्स एक्सेप्टेबल कोर्स और सब्जेक्ट्स, और फिर हाउ टू अप्लाई। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से। जैसे यहाँ पे बोलता है कि आप CV दो, अकेडमी ट्रांसक्रिप्ट, स्टेट बर्थ रिकमेंडेशन लेटर्स, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, ये वो। सो अगर आपके पास ये सब कुछ है और फिर अगर आपका मतलब कोर्स लेवल भी मैच करता है यहाँ से, सो या यू शुड जस्ट गो क्लिक एंड अप्लाई नाउ। और फिर वो आगे आपको प्रोसेस बताया कैसे अप्लाई करें। हर स्कॉलरशिप का अलग से सेपरेट प्रोसेस होता है, वो डिपेंड करता है कि या तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ता है या फिर डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट्स ईमेल में सेंड करना पड़ता है। सो ऐसे ही बहुत सारे, जैसे ये आ गया थाईलैंड की, और ये आ गई चाइना की स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट के, ये सिडनी MBA की स्कॉलरशिप है, और कोलालंपुर युगांडा मास्टर्स, और मैक्सिकन पोस्ट ग्रेजुएट ऑस्ट्रेलिया। सो या दिस इज अ वे यू चेक। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर जाते हैं और फिर यू जस्ट गो डाउन 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 एंड देन जस्ट चेक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे देखें कि अवार्ड, अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि 25% ऑफ, सो इट मीन्स इज नॉट फुली फंडेड। सो इफ एनीवन वांट्स टू गो फॉर 25% दे कैन गो, बट You should try to find fully funded. Or for eligible countries, any nationality also means के everyone can apply for it. Acceptable courses आप यहाँ से check करोगे कि कौन कौन से हैं, admission criteria, how to apply. So इस website का एक फायदा benefit ये होता है कि यहाँ का format same ही होता है, eligibility, brief description, ये वो। So you just go and check the requirements. If you meet the requirements और आप समझते हैं कि आपके लिए है, so just go for it and apply for it and prepare your documents first. Or now we will check about the PhD scholarships. So yeah, it's for also Thailand, China, Australia. So hum log yahan par click karenge and then here we see brief description. Okay, award hame milta hai. So it looks like a fully funded and good scholarship. Or nationality Australian and international. International means anyone can apply. Or eligible criteria dekhen, admission criteria, or how to apply. To apply, applicants are required to submit a complete application. यहाँ पे सो आई हेयर आपको ईमेल करके डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, तो ये यहाँ पे लिखा है। फॉर एग्जाम्पल अ लेटर ऑफ मोटिवेशन,
आपको सेंड करना है रिसर्च प्रपोजल, आपकी करंट रिज्यूमी, ट्रांसक्रिप्ट हो गए, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस, प्रोजेक्ट्स और 3 एकेडमिक रेफरेंस लेटर्स और या सो यू चेक द रिक्वायरमेंट्स और फिर जस्ट गो एंड अप्लाई. अभी यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ में, हमको हमें उस वेबसाइट पे पोजीशन पे डायरेक्ट लेकर जाता है. सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अभी और चेक करें. सो ये बोलता है कि ईमेल करो ये डॉक्यूमेंट्स. सो या यू जस्ट गिव सम टाइम और फिर स्कॉलरशिप यहाँ पे सर्च करें. और दूसरा होता है कि आप यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ करो, अपनी ईमेल दे दो, साइन अप करो, देन सिलेक्ट योर कंट्री और फिर वो आपको ईमेल पे आपके अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप सेंड करता रहता है. सो यू जस्ट चेक योर ईमेल और देखो कि आपके क्राइटेरिया से मैच होता है, देन गो. वन मोर थिंग, सो मुझे जो स्कॉलरशिप मिली थी कोरिया की मास्टर्स की, डेट आई फाउंड फ्रॉम स्कॉलरशिप पोजिशन डॉट कॉम वेबसाइट से. सो these websites are really so great or yahan se you can change your life, so keep your eyes on them. So number 2 goes for scholarship network. So scholarship networks hame milega Facebook pe, jo bhi Facebook use karte, I think everyone used that. Ye raha scholarship networks page that you join, or here you can see PhD positions और कोई भी पोजिशन है, हर एक पोजिशन का एक डिफरेंट वे होता है अप्लाई करने का. सो यू जस्ट गो एंड सी जॉब डिस्क्रिप्शंस, क्वालिफिकेशंस क्या है और फिर कंडीशंस और एम्प्लॉयमेंट क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस, ये वो पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखा होता है कि आप मतलब कैसे अप्लाई करो ये वो पोजिशंस पे. सो एवरी डे आती है, सो यू शुड बी अप टू डेट और आप चेक करते रहो. और दूसरा ये होता है कि यहाँ पे फेसबुक पे आप कॉमेंट्स करके पूछ भी सकते हो कि मतलब लोग, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, सो कैसे क्या प्रोसेस ये वो. सो या यहाँ पे बहुत सारी पोजिशन आती रहती हैं. इट्स अ वेरी वेरी गुड नेटवर्क जो आपको स्कॉलरशिप, जॉब्स और अदर एजुकेशनल रिलेटेड पोस्ट से मतलब आपके टॉपिक डिस्कस होते रहते हैं वहाँ पे. सो यू शुड फॉलो दैट पेज. और नंबर 3 वो है जिसको पता होता है एवरीथिंग, दैट वी कॉल गूगल. सो गूगल नोज एवरीथिंग वट एवर वी आस्क. सो इफ यू गाइज आर कन्फ्यूज एंड डोंट नो कि स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, कहाँ पे पोस्ट आती है, सो जस्ट टाइप ऑन गूगल. गूगल पे हम लोग टाइप करेंगे फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट मास्टर स्कॉलरशिप इन कंप्यूटर साइंस. सो आई विल राइट मास्टर स्कॉलरशिप इन कंप्यूटर साइंस. सो इसमें दो तरीके, एक तो होता है कि आप मास्टर स्कॉलरशिप फाइंड करो किसी भी कंट्री के नाम से या फिर अपने मेजर रिलेटेड. सो आई गो विथ मास्टर स्कॉलरशिप इन कंप्यूटर साइंस. सो हियर यू कैन सी देयर आर, सो ओके वी जस्ट गो एंड ओपन नाउ फ्यू वेबसाइट्स. सो देखिए यहाँ पे आपको और भी वेबसाइट पाई जाती है, जैसे scholarships.com वेबसाइट, कंप्यूटर साइंस ऑनलाइन, 40 स्कॉलरशिप फॉर कंप्यूटर मेजर. सो यू जस्ट गो एंड देन सी एक्सेल कंप्यूटिंग स्कॉलरशिप और हम लोग क्लिक करेंगे इस पे एंड देन यू जस्ट गो एंड इज लाइक अ रिसर्च और सर्चिंग और या सो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आप देखें कि क्या है इसकी और सिलेक्शन प्रोसेस, फ्रेशमैन और स्टार्टिंग डेट, रिन्यूज एंड अदर, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ पे एक्चुअली. एंड दिस वेबसाइट विच है कंप्यूटर साइंस स्कॉलरशिप्स, ये देखें ग्रेजुएट साइबर सिक्योरिटी, डेडलाइन लिखी हुई है, अमाउंट आपको कितना देंगे और फिर इफ़ यू वांट मोर यू कैन क्लिक मोर. कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, सो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट देम इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन. और यहाँ पे अप्लाई नाउ, इफ़ यू जस्ट क्लिक अप्लाई नाउ एंड देन दे विल आस्क सम इन्फॉर्मेशन, यू जस्ट हैव टू सबमिट. या सो लेट्स सी अप्लाई नाउ में क्या है. ओके सो ये स्कॉलरशिप डिसम्बर 1 से ओपन होगी और 17 तक चलेगी. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यू शुड चेक क्या है, यू मस्ट और व्हाट यू विल नीड, व्हाट डॉक्यूमेंट यू नीड टू सबमिट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेटर, रिज्यूमी और सम क्वेश्चंस यू नीड टू टेल और
स्कोरिंग क्राइटेरिया पेशन यू शुड बी इंटरेस्टेड एंड यू रियली वॉन्ट वॉन्ट मेरिट फाइनेंशियल नीड या एवरी वन नीड बिकॉज फॉरन कंट्री इज सो एक्सपेंसिव टू स्टडी ऑन देयर ओन सो जस्ट गो एंड अप्लाई और यू जस्ट हैव टू फर्स्ट रजिस्टर क्रिएट अकाउंट फिर आगे प्रोसेस चलेगा यू हैव टू फिल अप योर ऑल बेसिक इंफॉर्मेशन योर एजुकेशन योर वर्क योर एक्सपीरियंस अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स सो या ये प्रोसेस ऐसे काम करते हैं सो गाइज दिस इज़ अ वे यू फाइंड के स्कॉलरशिप कहाँ कहाँ आती हैं और फिर आप लोग को कैसे पता चले कि कौन सी स्कॉलरशिप आई है और आप लोग जैसे अप्लाई कर सको और उससे फ़ायदा उठाओ सो दूसरा ये है कि यू शुड गिव टाइम और यू शुड वर्क हार्ड ये प्रोसेस थोड़ा हैक्टिक होता है आपको मतलब एवरी डे इफ़ यू अप्लाई वन पोजिशन मतलब ये भी इनफ होता है और दूसरा ये होता है कि यू शुड बी पेशेंस बिकॉज आप ये एक्सपेक्ट नहीं करो कि जहाँ भी आपने अप्लाई किया वहाँ से आपको रिप्लाई आ जाए ऐसा नहीं होता आपको बहुत जगह भले कितने भी आप टैलेंटेड हो बहुत जगह से आपको रिप्लाई नहीं आएगा किसी जगह से आएगा सो यू शुड अप्लाई एवरी डे अगर आप स्कॉलरशिप चाहते हो यू शुड अप्लाई एवरी डे और सम टाइम आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी थोड़ा चेंज करें अपडेट करें ये वो सो फिर मतलब ऐसे अप्लाई करते जाएं और कब आपको रिस्पॉन्स इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगा सो यू शुड नॉट लूज होप होप रखें और अप्लाई करें एंड यू विल गेट द स्कॉलरशिप सो या स्टे अप टू डेट विद दीज पेजेस इफ यू रियली वॉन्ट स्कॉलरशिप्स स्कॉलरशिप बहुत आती हैं एवरी डे आई हैव सीन सो मेनी स्कॉलरशिप बट ये है कि हाँ यू हैव टू लाइक गिव टाइम यू हैव टू बी पेशेंस और अप्लाई बस करते जाओ इंशाल्लाह वन डे यू विल गेट रेस्पॉन्स I hope you like this video so stay tuned with my channel and please subscribe if you are new to my channel because many informative videos are about to come or my next vlog hoga is about how to apply for professorship scholarship so stay tuned my channel if you want to know more information so yeah bye and take care